नेमार टू एफसी बार्सिलोना, ये एक ट्रांसफर सागा है जिससे मेरे ख्याल से हर एक बार्सा फैन जो है वो ऊब चुका है। 2017 का वो सीजन था जिसमें ये जर्सी थी बार्सिलोना की, और अगर मेरे को कोट अभी नहीं भागना होता, मैं लंच ब्रेक में भाग के आया हूँ, तो मैं पक्का ये जर्सी पहन के वीडियो बनाता। दिस वॉज दी जर्सी जिसमें लास्ट बार हम लोग नेमार को देखे हैं। दोस्तों इस जर्सी मेरी फेवरेट जर्सी, क्योंकि मेरी ऑथेंटिक पहली जर्सी थी बार्सिलोना की, और इसका राकुटान तुम लोग देख सकते हो वो झड़ चुका है, लेकिन बार्सिलोना के फैंस का सपना नहीं झड़ा है कि वो नेमार को लाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर सागा अपन को इतने समय से देखने को मिल रही है। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एक भी ट्रांसफर सागा ऐसा नहीं होगा जिसमें नेमार लिंक नहीं हुआ है बार्सिलोना से। और ये बात भी छुपी नहीं रही है कि नेमार खुद खुश नहीं है भाई पीएसजी में। लेकिन पता क्या, पिछले ट्रांसफर सागाज में जितने बार नेमार लिंक हुआ है बार्सिलोना से, और इस ट्रांसफर सागा में इस साल के कुछ डिफरेंसेस हैं। और वो डिफरेंसेस क्या है जिससे लोगों को लग रहा है कि नेमार बार्सिलोना आ सकता है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्यों मुझे लग रहा है कि नेमार बार्सिलोना नहीं आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर आप अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आएगा कि नहीं आएगा, प्लस अगर आ जाता है तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बार्सिलोना को, वो भी बात करेंगे। केवल फैक्चुअल बातें, कुछ मनगढ़ंत कहते नहीं। तो सबसे पहला रीजन क्यों नेमार लग रहा है इस सीजन आ सकता है, वो है रिपोर्ट्स। देखो तुम लोग ये बोलोगे कि भाई रिपोर्ट्स तो हर सीजन अपन को देखने को मिलते हैं, लेकिन इस सीजन भाई कुछ डिफरेंसेस है। पिछले सीजन में ना नेमार का एजेंट नेमार का फादर हुआ करता था जो हमेशा ज्यादा पैसे देखता था, लेकिन इस सीजन में नेमार ने एक एजेंट को अपॉइंट किया, उसका नाम है पिनी ज़हावी। पिनी ज़हावी इज अ भाई साहब क्लोज फ्रेंड ऑफ लापोर्ता। पिनी ज़हावी ही लेवेंडोस्की का ट्रांसफर को जो है वो पॉसिबल करवाया बार्सिलोना के लिए, नहीं तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी लेवेंडोस्की के साइड से भी। और पिनी ज़हावी का रिलेशनशिप बार्सिलोना से काफी अच्छा है, एंड रिपोर्ट्स ऐसी नजर आ रही हैं नेमार डेस्परेटली जो है वो वांट कर रहा है बार्सिलोना की मूव को जो है वो एक पॉसिबिलिटी में बदलने के लिए। दैट मींस नेमार हिमसेल्फ आल्सो वांट्स टू कम टू एफसी बार्सिलोना। तो भाई जब नेमार खुद आना चाह रहा है, उसका एजेंट का क्लोज रिलेशनशिप है बार्सिलोना के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ चीज तो है इन लोग के बीच में। सेकेंडली नेमार ने अपना डिजायर पीएसजी को जो है वो खुलेआम व्यक्त कर दिया कि ही वांट्स टू लीव पीएसजी, एंड एल यूक्यूपे ने जो है वो इस रिपोर्ट को छापी है कि भाई नेमार जो है वो अपना डिजायर पीएसजी वालों को बोल चुका है कि मैं इस समर में छोड़ करके जाना चाहता हूं। ऑल्दो नेमार के फादर ने एल यूक्यूपे को एल फेक यूक्यूपे ऐसे करके कुछ बोला कि ये फेक न्यूज ही छापते हैं, तो इसके बातों में तुम लोग ज्यादा मत ध्यान देना। बट केवल एल यूक्यूपे ही नहीं, और भी कई सारे जो है वो रिपोर्टर्स ने इस चीज को कोट किया है कि नेमार वांट्स टू लीव बार्सिलोना इस समर में। और उसकी लिंक्स केवल बार्सिलोना में नहीं हुई थी, चेल्सी में भी हुई थी और इंग्लिश प्रीमियर लीग के भी कुछ क्लब्स में हुई थी। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ यार नेमार इज क्लोज टू भाई साहब लीव पीएसजी। एंड नंबर थर्ड, भाई पीएसजी जो है वो एक लोन डील में नेमार को इस साल भेजने के लिए तैयार है, यानी कि जब वो लोन डील में आएगा तो बार्सिलोना को केवल उसकी सैलरी का ख्याल रखना है, और बार्सिलोना को कुछ ऐसा लोन वोन फी जो है वो पीएसजी सीख भी नहीं कर रही है, तो अपन को लोन फी भी नहीं देना पड़ेगा, जिसके चलते एक ऐसे क्लब जिसके फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं है वो भी जो है वो साइन कर सकती है नेमार को। सो ये कुछ पॉसिबल रीजंस थे जिसके चलते लोगों को लग रहा है कि भाई नेमार इस सीजन जो है वो बार्सिलोना आ सकता है, और इतना ज्यादा चीजें जो है वो पिछले किसी ट्रांसफर विंडो में अपन को देखने को नहीं मिली है। अब क्यों नहीं आ सकता है, मेरे को क्यों ऐसा लगता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और वो सबसे पहला रीजन है नेमार की सैलरी। देखें अभी मैंने आपको बताया ना कि सैलरी दे सकती बार्सिलोना, लेकिन यार उसकी सैलरी पीएसजी में वन ऑफ दी मोस्ट हाईएस्ट सैलरी है भाई, केवल पीएसजी में नहीं दुनिया में भी। नेमार करेंटली अर्न्स 33 मिलियन पर सीजन, और ये बात छुपी नहीं रह गई है कि अगर नेमार को बार्सिलोना आना है तो उसको अपना सैलरी जो है वो आधा करना पड़ेगा। अब भाई आधा वो क्यों करेगा अपना सैलरी, वो अपना सैलरी आधा भी करेगा ना तो वो 16.5 मिलियन आने वाला है, और 16.5 मिलियन तो बार्सिलोना अपने हाईएस्ट पेड प्लेयर्स को भी जो है वो बहुत सोच समझ के देती है। तो नेमार को एक सीजन लोन में लाने के लिए क्या बार्सिलोना 16 मिलियन देगी, ये तो भाई क्वेश्चन मार्क है। प्लस क्या नेमार 33 मिलियन की सैलरी छोड़ करके 16 मिलियन में खेलना चाहेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और एज पर रिपोर्ट्स बार्सिलोना के पास केवल सैलरी के गैप में जो उनका एफएफपी है 6 से 7 से 8 से 9 मिलियन तक ही देने का जो है वो औकात है। तो इफ़ यू रियली थिंक सो दैट नेमार 33 मिलियन की सैलरी छोड़ करके 9 से 8 मिलियन में आएगा बार्सिलोना खेलने के लिए केवल एक सीजन के लिए लोन में, तो तुम मूर्ख हो। क्योंकि देखो ये काम ना एक ऐसा प्लेयर कर सकता है हु वॉन्ट्स टू प्ले फॉर एफसी बार्सिलोना, या फिर जिसको कुछ जीतना है बार्सिलोना में, ठीक है। टॉकिंग अबाउट नेमार, नेमार हैज ऑलरेडी प्लेड विद एफसी बार्सिलोना, ही हैज वॉन एवरीथिंग विद एफसी बार्सिलोना, वो जीत चुका है यूसीएल वगैरह, तो उसको ऐसा कुछ हंगर नहीं है कि मेरे को अब अपने आप को प्रूव करना है स्पेन की लीग में खेल करके। प्लस कुछ प्लेयर्स जैसे जूल्स कुंडे हो गया,
ही वॉन्टेड टू कम टू एफ सी बार्सिलोना ऑन अ लोअर सैलरी बिकॉज समवेयर ही नो कि भाई चेल्सी में मेरा ग्रोथ उतना नहीं हो पाएगा, मैं शायद चेल्सी में उतना इंडिविजुअली ग्रो ना कर पाऊँ जितना मैं बार्सिलोना में ग्रो करूँ। क्रिश्चियनसन का सेम कहानी, उसको भी लगा कि यार दूसरे क्लब्स मुझे ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं बट स्टिल आई प्रीफर टू कम टू बार्सिलोना बिकॉज आई वॉन्ट टू भाई साहब विन ट्रॉफीज, आई वॉन्ट टू विन यूसीएल एंड बार्सिलोना में शायद मैं यूसीएल वगैरह उठा पाऊँ, इंडिविजुअल जो है वो अपना गेम ज़्यादा निखार पाऊँ। टॉकिंग अबाउट सम वेटरन प्लेयर्स जैसे लेवेंडोस्की, गुंडोगन, दे हैव ऑलरेडी वॉन एवरीथिंग विच एवरी अदर क्लब। उनको अपना सीवी अच्छा करना था कि हमको बार्सिलोना के लिए भी खेलना है, हम बार्सिलोना के लिए भी खेलें, तो वो इस चलते बार्सिलोना में आ गए। टॉकिंग अबाउट नेमार, वो दोनों कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रहा है ना, वो यंग प्लेयर्स के कंडीशन में फुलफिल हो रहा है, रफीनिया वाले में कि यार मेरे को दूसरे क्लब्स ज़्यादा पैसा दे रहे थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी वगैरह ज़्यादा पैसा दे रहे थे बट मैं कम सैलरी में बार्सिलोना में खेल लूँगा क्योंकि यहाँ मेरा इंडिविजुअल गेम जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। नेमार इस कंडीशन में भी फॉल नहीं हो रहा है और भाई नेमार ना ही वेटरन वाले कंडीशन में फॉल हो रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी बार्सिलोना के लिए खेल चुका है, तो वो क्यों बार्सिलोना आएगा 33 मिलियन की सैलरी छोड़ करके 6 से 8 से 9 या 10 मिलियन के खेलने के लिए, वो भी एक सीजन के लिए, तुम खुद सोचो। नंबर टू रीजन, उसके दोस्त नहीं है अब बार्सिलोना में। दोस्तों वो दिन चले गए जब बार्सिलोना वॉज अ हब फॉर वेटरन प्लेयर्स, जहाँ पे मेसी, बुस्केट्स, एल्बा, पीके, ये सब बार्सिलोना में नेमार के जिगरी यार हुआ करते थे। और तुम नेमार की हिस्ट्री निकाल करके देख लो यार, वो हमेशा अपने दोस्ती यारी ब्राजीलियन प्लेयर्स को खोजता है जिस भी क्लब में वो जाता है। और भाई बार्सिलोना में ऐसा अब कोई भी प्लेयर नहीं बचा है, ना ही उसका बेस्ट फ्रेंड लियो मेसी है, ना ही भाई साहब जॉर्डी एल्बा, ऑल्दो जॉर्डी एल्बा से उसके रिलेशनशिप उतने खास कभी रहे नहीं, बट ना ही पीके है, ना ही सुआरेज है, ना ही बुस्केट्स है। और अब जो एनवायरनमेंट एफसी बार्सिलोना का वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, डायनेमिक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हॉस्टिलिटी जो है वो नेमार को सहना पड़ सकता है यहाँ आकर के। और रफीनिया ही केवल एक ब्राजीलियन प्लेयर है और आने वाले समय शायद विक्टर रोक दूसरा ब्राजीलियन प्लेयर बनेगा, वरना हमारे पास कोई ऐसा ब्राजीलियन प्लेयर भी नहीं है जैसा रियल मैड्रिड के पास 2-3 है। तो यहाँ पे भी जो है तुम कह सकते हो नेमार का पत्ता कट लग रहा है क्योंकि कुछ मोटिव नहीं है बार्सिलोना में आकर के खेलने के लिए कि मैं दोस्तों के साथ खेल लूँगा, मैं कम सैलरी में खेल लूँगा, मैं बिना दोस्तों के खेल लूँगा, मैं कम सैलरी में खेल लूँगा, ऐसा कुछ मोटिव आपको लगता है नेमार का होगा तो नहीं है भाई। नंबर थ्री, शावी नहीं चाह रहा है नेमार का आना क्योंकि शावी के हिसाब से स्पोर्टिंगली वो उतना सूट नहीं करता है, और भाई अगर वो स्पोर्टिंगली सूट नहीं करता है तो इतने ज़्यादा वेजेस उसको देना, ज़बरदस्ती अपने स्क्वाड में रखना और नाम खराब करना क्लब का सही नहीं लग रहा है। और यार कहीं ना कहीं ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि नेमार 2026 में जो है वो वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला है, उसने ऐसा एक इंटरव्यू में कहा है, अब उसका मन बदल गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 2024 में कोपा अमेरिका होने वाला है तो कोपा अमेरिका में ही वॉन्ट्स टू भाई साहब रिप्रेजेंट ब्राज़ील, वो बात अलग है, और वहाँ पर फिट रहने के लिए ही माइट लुक टू भाई साहब स्टे इन टॉप फोर लीग्स, जैसे कि चेल्सी से लिंक अभी हो रहा है नेमार, सम रिपोर्ट्स आर सेइंग कि भाई बार्सिलोना का तो एक बार को नहीं है लेकिन चेल्सी से जो है वो बातें कभी नेमार के फादर ने जो है छोड़ी नहीं, तो चेल्सी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिंक हो रहा है नेमार, सो ही माइट मेक अ स्विच टू एनी अदर क्लब मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग की, वो चेल्सी, लिवरपूल, यूनाइटेड यहाँ पे भी शायद जाना चाहे वो जा सकता है या फिर पीएसजी में ही रुकेगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू भाई साहब स्टे फिट इन यूरोप की टॉप 5 लीग्स, वहाँ पे खेल करके अपनी फिटनेस को बरकरार रखना चाहता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट ब्राज़ील। लेकिन एक बार ये कोपा अमेरिका वाला कहानी खत्म हो गया ना दोस्तों, मैं तुमको ये स्टैम्प पेपर में लिख करके दे सकता हूं कि नेमार पैसे कमाने के लिए लीग स्विच कर लेगा, ही माइट गो टू सऊदी फॉर अर्निंग मोर मनी, ही माइट कम टू MLS टू अर्न मोर मनी विथ मेसी, बुस्केट्स और वगैरह वगैरह होपफुली, या फिर भाई साहब वो ब्राजील वगैरह भी जा सकता है जहां शायद उसको ज्यादा पैसे और इज्जत मिले, तो वो पैसों के लिए स्विच करेगा लेकिन वो बार्सिलोना नहीं आएगा कम पैसों में खेलने के लिए, और वो स्विच हो सकता है कि वो अगले सीजन करे सऊदी में जा करके या USA वगैरह में जा करके। नाउ टॉकिंग अबाउट अगर बार्सिलोना में नेमार आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से एज अ बार्सा फैन अगर हम नेमार को किसी तरह मना लेते हैं लो वेजेस में लाने के लिए, अगर लो वेजेस में बार्सिलोना नेमार को ले आती है तो मेरे ख्याल से भाई साहब काफी अच्छा हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि नेमार देखो अब सेंट्रली बहुत ज्यादा खेलने लग गया, उसका सेंट्रल रोल हो गया गेम में, नेमार अब एक वो विंगर नहीं रह गया जो वो पहले था और बार्सिलोना को उस विंगर की जरूरत भी नहीं है। जो बार्सिलोना 4-4-2 वाला सिस्टम खिलाती है ना, जहां पे हम अक्सर गावी को ऐसा फोर्थ मिडफील्डर खिलाते थे, फॉल्स विंगर खिलाते थे, उस रोल में नेमार विल बी भाई साहब
गजब का प्लेयर, स्टिल ही 31। पिछले सीजन उसके रिकॉर्ड्स पीएसजी में गजब के थे, शायद उसने कुछ ऐसा 19 गेम खेल करके 18 गोल और 16 असिस्ट ऐसा वगैरह कुछ दिया था। सो इतने इनक्रेडिबल नंबर्स के साथ अगर हम नेमार को बार्सिलोना में ले आते हैं और वो फॉल्स विंगर वाला रोल देते हैं जहाँ पे वो सेंट्रल ऑफ द पिच में जो है वो खेलेगा, मेरे ख्याल से भाई नेमार आग लगा सकता है उस रोल में। लेकिन बस बात इतना है यार कि क्या नेमार आएंगे कि नहीं आएंगे, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, और मेरे ख्याल से वो नहीं आएगा। तो फालतू सपने सजाने के जो है वो कोई मतलब नहीं है, नेमार मेरे ख्याल से नहीं आने वाला है। मैंने आपको रीजंस बता दिए और वो कहाँ जा सकता है पोटेंशियली, मैंने वो भी आपको जो है वो बता दिया। अब भाई रही बात क्या मैं चाहता हूँ नेमार को लाने के लिए, ऑब्वियसली भाई ऐसा बार्सा फैन, ऐसा डाई हार्ड नेमार फैन जो मैं पहले था, मैंने मैसेज भी किया था नेमार को कि तू रिग्रेट करेगा बार्सिलोना छोड़ करके जाना, एंड ऑब्वियसली ही इज भाई साहब रिग्रेटिंग हिज मूव भाई राइट नाउ। ऑब्वियसली अगर हम लो वेजेस में नेमार को ले आते हैं तो मेरे ख्याल से उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है बार्सिलोना में। और जो मेरा ये सपना है बार्सिलोना की जर्सी में नेमार को देखना, खैर इस जर्सी में तो नहीं, अब ये वाली जर्सी में जो है वो हमको नेमार देखने को मिलेगा, वो जो है वो पूरा हो जाएगा। सो नेमार बैक टू एफसी बार्सिलोना की पूरी कहानी जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी है, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं शेष के सेना ऑपरेटर के प्लीज, जय हिंद वंदे मातरम। और ये जर्सी है भाई, ये जर्सी है, बहुत सारी बार्सा जर्सीज हैं भाई। चलो मैं मिलता हूँ भाई। का डीएनए भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज, दिमाग में चैनल भरा है जुनून से, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ।